स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप का होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किसी भी मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इस टॉपिक में हमारा पहला कंटेंट होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, हम ये देखेंगे। तो पहले हम प्लेन मिरर की ज्योमेट्री बनाते हैं। ये रहा हमारा प्लेन मिरर, इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया। जब भी हम ज्योमेट्री बनाएंगे किसी भी मिरर की, तो उसमें सिल्वरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बिना सिल्वर किए हुए मिरर नहीं बन सकता, अगर ये सिल्वरिंग नहीं होगी तो ये मिरर नहीं, ये ग्लास हो जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी मिरर की, या स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, तो ये सिल्वरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक प्लेन मिरर हुआ। अब मानते हैं कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, तो इससे निकलेंगी दो रेज। तो हम जानते हैं कि किसी भी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगर इमेज फॉर्म करना है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कम से कम दो रेस का होना ज़रूरी है, उनके इंटरसेक्शन के बाद ही इमेज बनता है, या वो वर्चुअल हो या रियल हो, वो डिपेंड करेगा कि इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट सोर्स है, तो हर डायरेक्शन में लाइट की रेज निकलेंगी। तो हम उन दो रेस को कंसिडर करेंगे जिससे हमारा ज्योमेट्री कम्प्लीट हो जाए। तो हम पहला रे ये मानते हैं किसी एंगल पर जाकर प्लेन मिरर से टकराती है और उसके नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाकर फिर वापस उसी डायरेक्शन में जाती है, वापस उसी मीडियम में जाती है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब कि ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी रे की। तो दूसरी रे हम उस पर नॉर्मल फॉल कराते हैं, प्लेन मिरर पे नॉर्मल फॉल हुई, ये दूसरी रे फॉल हो गई। तो अब हम देखते हैं इनका रिफ्लेक्शन। ये दूसरी रे जो नॉर्मल आई है वो सेम रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो वो रे पीछे जाकर मिल गई। तो अब ये एक रे इधर जा रही है और दूसरी रे इस तरफ जा रही है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कभी मैच कर सक, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं अगर हम इनको इधर कितना भी एक्सटेंड करें तो। तो अगर हमें इसे किसी पॉइंट पर कट कराना हो तो हमें इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होता है। तो देखिए अब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये रे हमने माना कि ये कोई, हमने माना कि ये रे यहाँ पर नीचे की तरफ गई और ये दूसरी वाली लाइन सेम एंगल के साथ इधर आके मिल जाएगी यहाँ पे। तो अब ये हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइट के रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर कट कर रही हैं वहाँ पे किस तरह का इमेज बन रहा है। तो चूंकि ये वर्चुअल रेज हैं, ये रियल रेज नहीं है, ये इसका वर्चुअल रे है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, वो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो अब और उस इमेज का डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, अगर एक्स मानते हैं डिस्टेंस, तो उस इमेज का डिस्टेंस भी यहाँ से एक्स ही होगा। मतलब कि प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से सेम होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक बार हम फिर ज्योमेट्री को समझाते हैं आपको कि यहाँ पे ओ एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट की रेज निकली, OC और OP। OC रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को रिट्रेस किया OC ने, और OP जो रेज थी वो रिफ्लेक्शन के बाद PV की तरफ गई। इन दो रेज को इंटरसेक्ट कराने के लिए हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए हमने पीछे की तरफ इंटरसेक्ट किया, पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड किया ताकि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दो रेज वहाँ पे इमेज बनता है, और चूंकि ये वर्चुअल रेज है इसलिए ये इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा।
तो ये थी प्लेन मिरर की ज्योमेट्री पॉइंट सोर्स के लिए। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर की ज्योमेट्री एक्सटेंडेड सोर्स के लिए। तो हम ये मानते हैं कि ये कोई एक्सटेंडेड सोर्स है, ये हुआ हमारा प्लेन मिरर जिसका हमने सिल्वरिंग कर दिया एक साइड, और ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है। इसके दो पॉइंट्स पर सेम वही ज्योमेट्री बनेगी जो हमने यहाँ पे बनाया। इसके हर पॉइंट के लिए एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है, कोई भी अगर सोर्स एक्सटेंडेड सोर्स है तो वो छोटे छोटे पॉइंट सोर्स से मिलकर बना होगा। मतलब कि एक एक्सटेंडेड सोर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं। तो अगर कोई एक्सटेंडेड सोर्स है तो उसकी भी ज्योमेट्री सेम इसी की तरह होगी, बस उसके एंड पॉइंट्स को हम फॉर्म करेंगे। तो इससे हमने ये बनाया, ये एक रे आके गिरी और इसी पॉइंट से दूसरी रे आके इधर चली गई, तो इसका इमेज जस्ट इसके पीछे बनेगा। और बात करते हैं जब इस रे की, तो ये रे यहाँ पे आके फॉल हुई, ये रे यहाँ पे आके फॉल हुई और इससे निकलने वाली लाइट जाकर उस तरफ चली गई, और इन दोनों का रिफ्लेक्शन पीछे जाकर कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। तो हमने ये देखा कि पॉइंट सोर्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स का इमेज पॉइंट की तरह ही है और एक्सटेंडेड सोर्स का इमेज एक्सटेंडेड सोर्स की तरह ही है। मतलब कि इमेज की साइज भी सेम हो रही है। ये कैसे बनाया एक बार आपको हम फिर बता देते हैं। ये एक पहले हमने इस पॉइंट के लिए, पहले हम इस पॉइंट के लिए इमेज बनाते हैं। तो ये पहली रे थी जो इस पर फॉल हुई, फिर ये उसी डायरेक्शन में चली गई, फिर यहाँ से निकलने वाली दूसरी रे आई और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये उस तरफ चली गई, फिर इसका रिफ्लेक्शन हमने पीछे बनाया तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वो कट किया, फिर उसके टॉप एंड को या दूसरे एंड को हमने देखा, दूसरे एंड को लिया हमने, तो उससे एक निकलने वाली रेज आकर फॉल हुई, फिर एक और रेज आकर फॉल हुई, दोनों को पीछे मिलाया हमने तो देखा कि एक और एंड का उसका एक और एंड का इमेज बना। तो इस तरह से हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म किया। तो ये था प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन, या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। तो अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स के इमेज फॉर्म हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि हमने दो प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पर डिस्कस कर ली कि ये वर्चुअल होता है, ये भी वर्चुअल होता है, ये सेम साइज होता है। तो उसी तरह से दो तीन और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम अब देखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम ये फिगर को देख लेते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये पहली रे गई वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आ गई, तो हमने उसका वर्चुअल एक्सटेंशन किया पीछे की तरफ। फिर इससे निकलने वाली दूसरी रे गई रेड वाली, ये रे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इस तरफ आ गई, इसका भी हमने वर्चुअल एक्सटेंशन किया पीछे की तरफ। तो इन दोनों के कट करने से यहाँ पे ए डैश फॉर्म हुआ। इसके बाद बी पॉइंट का हमने डायग्राम बनाया, तो बी पॉइंट के लिए भी सेम प्रोसीजर। तो बी पॉइंट का डायग्राम यहाँ पे बी डैश बना, मतलब कि ए बी इमेज के लिए, ए बी ऑब्जेक्ट के लिए ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है। ए बी ऑब्जेक्ट ये था ये, और इमेज बना इस तरह का ए डैश बी डैश। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है वर्चुअल, मतलब कि अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। वो कैसे बनेगा हम देख लेते हैं कि जब उससे वर्चुअल रेस के कट करने से इमेज बन रहा है, इसलिए ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है सेम साइज, मतलब कि जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज उसके इमेज की भी होगी, ये हम डायग्राम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तीसरा है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब कि सीधा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है इस तरह से और इसका इमेज भी सेम इसी तरह से बन रहा हो तो इस तरह के इमेज को इरेक्ट इमेज बोलते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज इस तरह से बने, इस तरह से मतलब कि उल्टा बने, तो उसे बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा था,
ये टिप ऊपर की तरफ है और इमेज की भी टिप जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज इरेक्ट होते हैं। चौथा पॉइंट है कांट गेट ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन पे इसे कैसे नहीं पाएंगे ये हम समझ नहीं पाते। जब क्लास टेंथ के बच्चे जब ये सुनते हैं कि कांट गेट ऑन स्क्रीन तो उन्हें ये रटना पड़ जाता है। तो रटने वाली कोई बात नहीं है, हम समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं पा सकते। तो जैसे कि हम कोई मूवी शूट होती है तो मूवी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हम इमेज स्क्रीन पर देखते हैं, तो वो वहाँ पर होता क्या है, मतलब कि वहाँ पर जो रियल रेज हैं वो कट कर रही हैं। इसमें हम अगर देखते कि अगर ये वाली रेज इधर कट कर जाती हैं तो इधर अगर जो भी इमेज बनता वो रियल इमेज बनता, तो रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। क्योंकि जब भी हम स्क्रीन लगाएंगे तो मिरर के सामने ही स्क्रीन लगाएंगे ना, स्क्रीन को मिरर के पीछे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि मिरर हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे का साइड तो पॉलिश्ड होता है, तो मिरर के पीछे इमेज लगाने से लाइट की रेज वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। इसलिए इस तरह की इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर स्क्रीन पर लेना है तो हमें ऐसे स्क्रीन लगाना होगा, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे आके इस स्क्रीन पे कट करे तभी इस पे इमेज बनेगा, पीछे कहाँ से लगाएंगे हम स्क्रीन को। तो ये कारण है कि कांट गेट ऑन द स्क्रीन, मतलब कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो पाता है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम, कहने का मतलब ये है कि जो इमेज का डिस्टेंस था वो ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस है। तो इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम है। तो ये पांच प्रॉपर्टी थी, मतलब कि प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है, इरेक्ट बनता है मतलब कि सीधा बनता है, उसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते क्योंकि वो वर्चुअल रेज के कट करने से बना हुआ है, और उसका डिस्टेंस जो है प्लेन मिरर से वो सेम होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ही दूर मिरर के पीछे इमेज का डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पे एक एडिशनल बात सीखते हैं, एक एडिशनल पॉइंट सीखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो। तो इसमें मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स है और इमेज का डिस्टेंस वाई है। याद रखिए हमने डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला। तो एक्स और वाई, तो अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को टाइम से और इमेज के डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड मिलेगी हमें। तो हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे टी और टी से हमने डिवाइड कर दिया तो ये मिले, तो हमें मिला स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और एक मिला स्पीड ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस जब बराबर है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें ये पहला फॉर्मूला मिला कि अगर बात स्पीड की करें तो वो बराबर होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के लिए हमें इस प्लेन मिरर के दोनों तरफ देखना होगा कि डिस्टेंस क्या है। तो इसके इस तरफ का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि अगर ये ओरिजिन मान लें हम तो एक्स साइड, अगर ये एक ओरिजिन हो गया, ओरिजिन यहाँ पे, तो इधर पॉजिटिव होता है एक्स और इधर क्या होता है, निगेटिव एक्स, जैसा आपने ग्राफ में देखा होगा। तो ये निगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है, ये था डिस्टेंस के लिए। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स है और इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स है, मतलब कि यहाँ पे माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें मिलेगी। माइनस बोलने का ये मतलब हुआ कि वो निगेटिव नहीं है, उसका डायरेक्शन उल्टा है, एक माइनस की तरफ जाएगा, ये जो है एक माइनस की तरफ जाएगा और वो जो है पॉजिटिव की तरफ भाग के आएगा, मतलब कि ये एक दूसरे की तरफ जाते जाएंगे। मतलब कि अगर किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, ठीक है, अगर किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेफ्ट साइड तो इमेज किधर जाएगा, राइट साइड। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है राइट साइड तो इमेज किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। तो बाकी सब तो सेम था, लेकिन अगर मूव करने की बात आती है तो दोनों में ऐसे टक्कर हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर आपको इस लेक्चर में एक भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो या किसी भी तरह का डाउट हो आप क्लियर करना चाहें तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।